हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सनातन धर्म में तिलक किस लिए लगाते हैं, क्या है तिलक का महत्व? कहा जाता है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गाँव है। आइए जानते हैं तिलक क्यों लगाया जाता है। तिलक लगाने के कई कारण हैं। अपने अपने तरीके से तिलक लगाने और लगवाने की परंपरा है। धार्मिक आधार पर अगर देखा जाए तो अलग अलग गुणों और पहचान वाले देवी देवताओं को पूजने वाले अलग अलग तरीके से तिलक लगाते हैं। जो अलग अलग संप्रदाय के लोग, साधु संत महात्मा, उनके अनुयायी, सभी तिलक लगाते हैं और वह सभी अपने अपने इष्ट देव को भी उसी प्रकार का तिलक, अनामिका उंगली से, कोई तीन उंगली से, कोई चार उंगलियों से तिलक लगाता है। और यह माना जाता है कि माथे के मध्य, के त्रिकुटी के मध्य आज्ञा चक्र होता है, जो हमारे विचारों को नियंत्रित कर हमारी पहचान कराता है। तिलक के आकार प्रकार को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके इष्टदेव कौन हैं और ये किस संप्रदाय के हैं। तिलक हमारी भावनाओं को उभारता है। तिलक, रोली, अक्षत, चंदन लगाने से मानव जीवन पवित्र पुण्य कर्मों को करने वाले और पाप का क्षरण करने वाला होता है। तिलक हिंदू विवाह में एक आयोजन भी होता है, जो विवाह के पूर्व कन्या पक्ष के लोग उस वर का तिलक करते हैं। राज्याभिषेक भी तिलक लगाकर ही किया जाता है। तिलक विजय का भी प्रतीक माना जाता है। बहन भी अपने भाई का तिलक लगाकर आदर सत्कार करती है। तिलक हमें ओजस्वी के साथ साथ भाग्यशाली भी बनाता है। भाग्य की रेखाएं मस्तक में मानी जाती हैं। तिलक लगाने से ललाट चमक उठता है। लेकिन मध्ययुगीन भारत में इसे पोंगा पंडित कहकर बहुत ही भद्दा मजाक बनाया गया, जिससे लोग उपहास उड़ाते हुए अपमानित होने लगे, जिससे आधुनिक काल के लोगों को इससे परहेज होने लगा। भ्रमित होकर लोग इस बहुमूल्य लाभ से वंचित होने लगे। बहुत से धार्मिक लोग चंदन माथे के अलावा गले और कंठ में भी लगाते हैं, जिसका मुख्य कारण वह हमेशा सत्य और प्रियवाणी बोले। कान में चंदन इसलिए लगाया जाता है कि कोई भी कितनी ही कर्कश वाणी बोले, उसे सहन कर सकने की शक्ति मिले और वह आत्मानुशासन में रहे। दोनों भुजाओं में चंदन लगाने का यही विधान है कि कोई अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, हमेशा तभी कुचले लोगों का इन भुजाओं से उद्धार करेंगे। तिलक लगाना सभी के लिए आवश्यक है और वह बहुत ही लाभप्रद भी है। हर हिंदू को तिलक अवश्य लगाना चाहिए, भले ही वह हल्का सा ही हो। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।